हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप लोग सबसे पहले वॉल्यूम चेक कीजिएगा। अब सबसे पहले वॉल्यूम चेक कीजिएगा सभी आप लोग। हाँ, आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। नहीं, ये वर्ड सुनने के लिए आपका जो मन है ना, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है, सही है ना? हाँ जी बेटा, आज जो हमारी क्लास है ना, वो डेमो लेक्चर 5 है हमारा। और आज हम आपसे दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ने के पश्चात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग है ना, जो भी आपका वही बातचीत जहाँ भी आपको शेयर करना है, फटाफट शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। ठीक है? हाँ जी, आइए सभी आप लोग यहाँ। बड़ा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था। सुनिएगा आप लोग सभी यहाँ, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी, FZ इक्वल टू जेड बार, FZ इक्वल टू जेड बार, हमें ये बताने कि कहीं पर भी डिफरेंशियबल नहीं है, इज नो वेयर डिफरेंशियबल, ठीक है ना? या इज नॉट डिफरेंशियबल, या इज नो वेयर डिफरेंशियबल, जो भी है। थोड़ा हमने इसमें डेफिनेशन लगाई थी, और डेफिनेशन लगाने के बाद हमारे पास में एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो हमने एफ जेड की वैल्यू ये लिख दी, और एफ जेड प्लस डेल्टा जेड बेटा कितना हो जाएगा? बस जेड को आप ये बना दीजिए, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। और हमने उसको सोल्व किया था, तो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस का जेड हो जाएगा। ये मेरे पास में माइनस का ही है, जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस का जेड बार अपॉन ये हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, और ये लिमिट ऑलरेडी इस पे लगी हुई है, तो हम यहां तक पहुंच चुके थे, ठीक है ना? तो हम लास्ट में किस स्टेज पर पहुंचे, हम केवल और केवल आपको वो लिख रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा यहां कि बेटा एफ जेड इक्वल टू जेड बार को बताने कि नो वे डिफरेंशियबल है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू, हमारे पास में हम यहां पर आ गए थे कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड बार अपॉन मेरे पास में डेल्टा जेड, इसको डालिए आप इक्वेशन नंबर 1। जिस बच्चे ने या जिस विद्यार्थी ने कल की क्लास नहीं ली है, वो पहले कल की क्लास देख ले, क्योंकि कल ये क्वेश्चन 70% डिस्कस हो चुका था। आज केवल और केवल 30% बचा हुआ है, वो डिस्कस होने वाला है। चलें? हाँ जी, वॉल्यूम वगैरह ठीक है सब? हाँ आओ बेटा, हमने जिस दिन ये पेपर स्टार्ट किया था, तो हमने बोला था कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने बोला कि लिमिट से हमारा कोई तालमेल है नहीं, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी अवकलनीयता के क्वेश्चंस में लिमिट का इस्तेमाल होगा, तो कहने का मतलब वो हमें आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड ईयर में थोड़ा सा जाइए, और सेकंड ईयर में जाइए रियल एनालिसिस में, सेकंड ईयर में आप जाइए, और सेकंड ईयर में आप जाइए रियल एनालिसिस में, वास्तविक विश्लेषण में जाइए, और इसमें भी आप जाइए बेटा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो चरों वाले फलनों की, दो चरों वाले फलनों की सीमा एवं सांतत्यता, ये हमने पढ़ाया था, लेकिन इस बार हमसे काफी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं। अगर उन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा इशू नहीं है हमारा। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एपेक्स वाई वाला सिस्टम,
पढ़ा था ना, और इस पर लिमिट हमारे पास में कि x टेंज टू x नॉट और y टेंज टू y नॉट। यहां पर हमने पथ का सिलेक्शन किया था, हमने यहां पर रास्ते का चयन किया था। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पूरा का पूरा ये एक्स वाई है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सम्मिश्र तल है, हम इस पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, बड़ा इस पॉइंट पर आने के लिए मेरे पास में बहुत सारे रास्ते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ वेज है, अनंत रास्ते हैं। लेकिन ये बात आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, मैं अनंत रास्ते तो यहां डिस्कस नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। तो बड़ा इस वाले पॉइंट पर आने के लिए ये रास्ता रहा, ये रहा, ये रहा, दुनिया भर के पॉइंट पाथ है मेरे पास में, दुनिया भर के रास्ते हैं मेरे पास में इस पॉइंट तक जाने के लिए जेड नॉट। हां, अगर जेड नॉट पर अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, अगर जेड नॉट पर अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं किसी भी रास्ते से आऊं बेटा, हर रास्ते के करस्पोंडिंग जो लिमिट आएगी ना वो सेम आनी चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि हमारे पास में जेड नॉट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ इनफिनाइट पाथ है ना, रास्तों की संख्या अनंत है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जनरली दो बातों पर डिस्कशन करते हैं, एक अलोंग रियल एक्सिस, मतलब कि मेरे पास में यहां वास्तविक अक्ष के अनुदिश, और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। बस दो सिलेक्शन करते हैं, वो यहीं पर फेल हो जाता है तो हमें बाकी रास्ते जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट चेक करने के लिए हम जनरली दो रास्तों का अनुसरण करेंगे, एक अलोंग रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष के अनुदिश जहां पर वाई कांस्टेंट रहेगा, और एक अलोंग इमेजिनरी एक्सिस काल्पनिक अक्ष के अनुदिश जहां एक्स कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर ना। चले यहां से आगे हम लोग देखिए कैसे। हां सर जी, यहां पर हम दो स्थितियों पर, दो स्थितियों पर विचार करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है ना। यानी कि दो केस आएंगे, हियर वी डिस्कस टू केसेज, ठीक है ना। आइए केस नंबर फर्स्ट, बेटा केस नंबर आ रहा है हमारे पास में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है ना, और केस नंबर सेकंड आएगा हमारे पास में यहां से इसके जस्ट बाद आएगा। चलिएगा सभी इधर आइए, केस नंबर फर्स्ट में यदि डेल्टा टेंज टू जीरो, यदि डेल्टा टेंज टू जीरो मतलब कि इस पॉइंट पर हमें ना रियल एक्सिस के अनुदिश आएंगे, वास्तविक अक्ष के अनुदिश आएंगे, ठीक है ना, इधर से इधर आएंगे, और उस केस में हम इमेजिनरी के करस्पोंडिंग आएंगे क्योंकि ओरिजिन के लिए बातचीत हो रही है। अगर कोई पॉइंट होता, मान लो यहां पॉइंट होता, तो हम ऐसे आते। क्लियर है बातचीत। चलिए हां, यदि डेल्टा टेंज टू जीरो एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो, एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो, ठीक है ना, इफ डेल्टा टेंज टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, और आप इसको रियल एक्सिस भी बोल सकते हो आपका अगर मन करता है तो, ठीक है ना। आइए बेटा, तो आप हमें यह बताइए
जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहां पर ये पॉइंट है, ये जेड नॉट है, हम इस पॉइंट पर ना रियल एक्सिस के अलोंग आते हैं ऐसे, थोड़ा वाई हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा सर जी? वाई हमारे पास में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर इस लाइन पर अगर मेरे पास में वाई की वैल्यू 3 है तो थ्रू आउट वो 3 रहेगा, लेकिन एक्स कंटिन्यूअस चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना, हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। इसका मीनिंग सर जी गारंटी है इस बात की कि हमारे पास में डेल्टा वाई होगा ना वो कितना होगा? 0। मतलब कि वाई में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोलो हां या ना। तो यहां से मेरे पास में अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम आते हैं ना तो डेल्टा वाई हमारे पास में 0 होगा, इंप्लाइज सुनो आप लोग, तो हमारे पास में डेल्टा जेड बराबर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होता है ना, तो डेल वाई हो गया 0, तो ये हो गया ये डेल्टा जेड बराबर ये था हमारे पास में, और डेल्टा जेड बार इक्वल टू ये है। अगर अलोंग रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष के अनुदिश अगर ये हमारे पास में 0 हो रहा है ना भैया, तो डेल्टा जेड हमारे पास में डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड बार इक्वल टू भी डेल्टा एक्स हुआ, बोलो हाँ या ना, इतना बता दीजिए बस आप हमें। उम्मीद करूंगा ये चीजें बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में ऐसा पूरा डिट्टो आपके माइंड में मैं उतार दूंगा, लेकिन नियम एवं शर्तें क्या है, आपकी पूरी नजरे या तो आपके कान मेरी जो ध्वनि आ रही है ना, मेरी जो आवाज आ रही है ना उसको सुनाई दे, या आपकी जो नजरें हैं बोर्ड पे हो, ठीक है ना, चलिएगा। तो हमारे पास में यहां से फ्रॉम वन एक शब्द देखिएगा सर जी, हमारे पास में एफ डैश जेड, या मेरे पास में यहां से सर जी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे ना इसकी, देखना कैसे, फ्रॉम वन, तो सर जी एफ डैश जेड इक्वल टू सर जी लिमिट डेल्टा जेड होता है डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई, लेकिन इसको तो अपन खा गए ना, 0 हो गया, तो केवल क्या बचेगा, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड बार कितना आ रहा है सर जी, डेल्टा एक्स आ रहा है, और डेल्टा जेड भी कितना आ रहा है सर जी, डेल एक्स आ रहा है, ये भैया समाप्त हो गए, तो कितना आ गया 1, इंप्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू 1, ये हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मैं सोच सकता हूं। अब इसमें आइए बेटा, अगर हम लोग इस पॉइंट पर अगर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आए तो बताइए आप, अगर हम वाई एक्सिस के अनुदिश आए तो सर जी इस पूरी लाइन पर हमारे पास में एक्स कांस्टेंट है, देख लीजिए आप, अगर एक्स कांस्टेंट है ना बेटा तो सर जी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, चलें। तो आइए अब ये आप कहीं भी बना लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ये बाकी इसकी आवश्यकता है नहीं, अगर आप इसको कहीं पर भी अगर साइड वगैरह में कहीं पर बनाना चाहते हो कि सर जी आपने ऐसे कैसे लिया, तो आप इसको बना लीजिए, हम रब करने वाले हैं इसको ना, कहीं पर भी बना लो, हाँ जी कोई दिक्कत, जहां भी आपका बन कर रहे ना आप वहां पर आप इसको बना लीजिए, बस ये बस थोड़ा सा सीखने के लिए हैं चीजें, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में हम ओरिजिन पे ही आ रहे हैं, लेकिन हम सिखाएंगे तो भाई किसी भी पॉइंट के लिए ना, इसलिए आप इस जेड नोट को इस वाले क्वेश्चन के लिए यहां शिफ्ट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, चलें आओ, बना लिया होगा, हाँ जी सर जी, यदि डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, काल्पनिक
अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो, अनुदिश अग्रसर हो, ठीक है ना बेटा। हमारे पास में इफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना, इमेजिनरी एक्सिस, चलिएगा आइए सभी यहां बेटा। तो सर जी गारंटी है डेल एक्स बर्बाद हो जाएगा, अगर डेल एक्स बर्बाद हुआ तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल एक्स खत्म खेल उसका, तो केवल आयोटा डेल्टा वाई बचेगा। एंड डेल्टा जेड बार बेटा कितना बचेगा सर जी, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, डेल एक्स बर्बाद माइनस आयोटा डेल वाई। ये राकेश जी दिखाई दे रहा है क्या, देखना लास्ट में, ठीक है दिखाई दे रहा है क्या, हाँ इसको हम यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, माइनस आयोटा डेल्टा वाई ये लीजिए। आइए फ्रॉम वन एक से आप वापिस आइए, बोलिए बेटा सर जी एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, सुनना डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंड्स टू जीरो, अच्छे से इधर, उस केस में ये भैया जीरो हो गया तो आयोटा डेल वाई टेंड्स टू जीरो हुआ। मैथमेटिक्स का रूल सर जी, या तो आयोटा होगा टेंड्स टू जीरो या डेल वाई होगा, लेकिन भैया आयोटा तो क्या होता है अंडर रूट का माइनस वन, ये तो बेचारा चुपचाप है, इसको आप टेंड्स टू जीरो नहीं कर पाओगे, तो सर जी किसको कर दें, डेल वाई टेंड्स टू जीरो कर दें, बोलो हाँ या ना, चलें आओ। तो डेल वाई टेंड्स टू जीरो हमने कैसे किया, क्यों किया मालूम चल गया, सर जी लिमिट डेल वाई टेंज टू मेरे पास में जीरो, डेल्टा जेड बार आपके पास में कितना है, माइनस का आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड कितना है, आयोटा डेल वाई, दोनों भैया कैंसिल, इक्वल टू माइनस वन, इंप्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस वन। अब आप हमें यह बताइए, मान लीजिए थोड़े समय के लिए मैं ओरिजन हूं, मेरी वैल्यू है ना, अगर आप रियल एक्सिस के अलोंग आ रहे हो और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आ रहे हो ना, तो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो मतलब हो ना, इसका मतलब मेरा अस्तित्व नहीं है, वही बात यह हुई। अब बाकी रास्ते मुझे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि करस्पोंडिंग या हम जर्नली दो रास्ते लेके चलेंगे, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक अक्ष के अनुदिश और काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, यही फेल हो जाएगा मामला, ठीक है ना। अगर यहां नहीं होता है फिर हम चेक करेंगे आगे, और वो जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपके सामने उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। चलें ये देख लीजिए, तो अब हमारे पास में यहां से केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड से एफ डैश जेड की वैल्यू अलग अलग आ रही है, अरे भैया पॉसिबल है क्या, नहीं है सर जी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट है कि एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। अतः दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, अतः दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? तो यहां से मेरे पास में हैंड्स क्लियर फ्रॉम अबाउ एपडे अबाउ के फर्स्ट एंड सेकेंड एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस गिवन फंक्शन एफ जेड, गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नो वेयर डिफरेंशियबल। लिख लीजिए। अब उम्मीद करूंगा किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए ना, दो बार डायग्राम बना करके बताया है तो मेरे हिसाब से अब आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी है तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपकी बात का समर्थन अवश्य करेंगे, मतलब आंसर देंगे। लिखिए फटाफट। तो हमारा कल यहां तक हो चुका था, आप इसको ब्रैकेट में बंद करके इक्वेशन नंबर वन नाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां दो कंडीशंस हम लेके चल रहे हैं। कंडीशंस तो बेटा इनफिनाइट बन रही है, अनंत, लेकिन हम इनफिनाइट के लिए तो काम करने में असमर्थ है ना, तो हम केवल दो ही लेके करते हैं। और हमने देखा कि इन दो के करस्पोंडिंग ही वैल्यू अलग अलग आती है, यूनिक नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है ना। लिखिए बराबर, इसको लिखिए और लिखने के पश्चात छोटा सा कमेंट करना, सर जी लिख लिया, फिर हम आगे चले। हाँ जी, तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि आपकी और हमारी दोनों की स्पीड बढ़ेगी तो ही ठीक रहेगा, वरना अगर हमने स्पीड बढ़ा दी फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना उससे बचो। और हम ऐसे पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे ऐसे ही, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से मस्त होके पढ़ो, किस चीज की जल्दीबाजी है, ठीक है ना, मस्त होके पढ़ते रहिए बस। और जो स्टूडेंट कल क्लास नहीं ले पाया था वो थोड़ा सा स्पेस देकर के ही लिखे, ठीक है ना, क्योंकि कल की क्लास का भी उसको लिखना जरूरी है, तो ही चीजें समझ आएंगी, वरना नहीं आएगी फिर। हाँ जी, हाँ बेटा, और ये ध्यान रखना है थ्योरी वगैरह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर टीचर थ्योरी चेक नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन जो करते हैं फिर वो आपके नंबर उड़ा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। मैथमेटिकल चीजों में तो किसी को प्रॉब्लम आएगी भी नहीं ना, कर क्या रहे हैं हम लोग, यहां कुछ भी नहीं कर रहे। चलिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये चार क्वेश्चन है,
और चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, निश्चित तौर पे आता है, ध्यान रखना। अब वो चाहे 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, आएगा जरूर। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन एपजेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, एपजेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है, परंतु परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व, अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। और ये सवाल अच्छा है, ध्यान रखना, क्या अच्छा क्वेश्चन है, केवल मूल बिंदु पर है। ठीक है ना, आगे चलिए, यहां से मेरे पास में प्रूव दैट, प्रूव दैट मेरे पास से फंक्शन एप जेड इक्वल टू, यहां से बेटा कितना है, मोड जेड का स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट इट्स डेरिवेटिव, बट इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजन, ओरिजन का मीनिंग हमारा 0.0 से है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स में जेड नॉट से है। ठीक है ना, ठीक है चीज, ओरिजन का मीनिंग हमारा किससे बेटा, कॉम्प्लेक्स में जेड इक्वल टू 0 से है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, यहां एक बार लिखिएगा स्पीड से, उसके बाद हम इसको समझाना आरंभ करेंगे। हाँ जी, हाँ आए इधर, बेटा शुभम, आप लोग है ना, अभी यहां पर ये बीएससी की क्लास चल रही है, ग्रेजुएशन लेवल की क्लास चल रही है, अगर आपको बीएचयू वगैरह एमएससी एंट्रेंस अगर पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, जैसा भी होगा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा हमारे स्टाफ द्वारा। चलें, हाँ जी, आप लोग सभी इधर आइए, अपने अपने आप लोग सभी अस्त्र शस्त्र बंद करके साइड में कर दो, कॉपी किताब पेन जो भी आपके पास में ना, साइड में सारे आइए इधर। यहां पर हमारे पास में सर जी, हमने बोला था कि जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और मोड जेड इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो हां या ना। मतलब कि हमने बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पोंडिंग एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होगा, तो आप बिंदु ओ से पी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालोगे ना, वो आर्ग्यूमेंट मीनिंग मोड जेड को डिफाइन कर जाएगा, मतलब मोडुलस को, आर्ग्यूमेंट को नहीं, मोडुलस को, मापांक को डिफाइन कर जाएगा। चले यहां से आगे हम लोग, चलिए, तो मोड जेड ये हुआ हमारा। अब ये कह रहे कि मोड जेड का भी स्क्वायर करना है आपको, मतलब सर जी मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पहले बताना है कंटिन्यूअस के बारे में, हालांकि हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस नहीं है, केवल डिफरेंशिएबिलिटी है, और ये जो हमारा कंटिन्यूटी है ना, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा इसमें, देखना हो क्या लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन बना के भी देगा ना,
तो कंटिन्यूटी हमें केवल दो शब्दों में लिख के छोड़ना रहेगा। हमारा टारगेट क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएबिलिटी से। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप ये बताइए जो फंक्शन एफ जेड है ना, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? सुनना आप लोग बेटा, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। अपने बचपन में एक वर्ड सुनाई देने को मिला होगा आपको, या एक लाइन या एक नॉट जो भी आप जानते हो, कि प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में सतत होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सुनाई देने को मिला, बोलो हाँ या ना? और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर चार, वाई स्क्वायर वाई की पावर थ्री वाई की पावर चार, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुए ना? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो बेटा, एक्स कोमा वाई में बहुपद फलन हुआ दो वेरिएबल्स में, एक्स कोमा वाई में। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुनना। मेरे पास में चूंकि एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक चरो एक्स तथा वाई में बहुपद फलन है, एक में नहीं दो में बोलो, मैं एक्स कोमा वाई में, एक्स तथा वाई में, अतः दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र सतत है। ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में सतत होता है, ये हम जानते हैं। इंग्लिश वाले सुनना बेटा, गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, हेंस एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ब्रैकेट में उसका रीजन दीजिए, सिंस वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कोई दिक्कत? चले यहां से आगे। हाँ जी, तो आप लोग पहले ये लिखिएगा, हाँ लिखो। हम यहां केवल बोल के लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना, तो आप लोग लिखना आरंभ करिए। मेरे पास में यहां से दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे पास में यहां से सिंस गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हिंदी वाले अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिएगा, हम बोल रहे हैं चूंकि दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, कोमा चरो एक्स तथा वाई में एक बहुपद फलन है, चरो एक्स तथा वाई में एक बहुपद फलन है, एक्स तथा वाई में एक बहुपद फलन है, अतः दिया गया फलन एफ जेड, अतः दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरी मतलब सर्वत्र सतत है। एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है। नीचे लाइन चेंज करना और ब्रैकेट में लिखना, लाइन चेंज करना और ब्रैकेट में लिखना। चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में सतत होता है,
चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में सतत होता है। हिंदी खत्म, मतलब यहां खत्म हुई है, वैसे खत्म नहीं हुई। हिंदी तो वैसे हम खत्म कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, या मातृभाषा, जो भी आप बोलना चाहो। हाँ जी, इंग्लिश वाले आइएगा, इंग्लिश वाले आइएगा। सिंस गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, हैंस हैंस गिवन फंक्शन, हैंस गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हैंस गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लाइन चेंज करके ब्रैकेट में लिख पाओगे बेटा? लाइन चेंज करके ब्रैकेट में लिखो, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन गिवन डोमेन, जो भी आप लिखना उचित समझे उसको लिख सकते हो। हाँ जी, करिए लाइन चेंज, हिंदी वाले लिखेंगे। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर के अवकलज का अस्तित्व, के अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, के अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, ठीक है ना। हिंदी वाले अपने अस्त्र शस्त्र बंद करके साइड में रख दो, ठीक है ना, या अगर किसी का स्टेटमेंट कुछ बचा हुआ है तो उसको लिख करके रख दो। इंग्लिश वाले, नाउ वी प्रूव दैट या नाउ वी विल शो दैट, जो भी आपको लिखना अच्छा लगे। हम लिखवाते हैं नाउ वी प्रूव दैट, नाउ वी प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजन, इज एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजन, इज एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजन। हाँ जी, इधर आइए आप सब। बेटा हम आप जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बोला था कि हम आपसे दो बातें करने वाले हैं आज, सुनना। पहली बात, पहली जो बात आ रही है वो सुनना बेटा। पहली बात है आईआईटी जेम्स से संबंधित। आज हमारा नया बैच, या आप कह सकते हो कि नया पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी बच्चा बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो कर सकता है।
पहले बात यह है, या आपका कोई भी दोस्त हो जिसने आपको बोला हुआ है, आप उसको बोल दीजिएगा, वो हमें इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकता है, 9724477293, ठीक है ना। चलिएगा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई हमारी। इस प्रेशर किसी पे नहीं देना, क्योंकि हमें जेम में रिंगानी के रैंक, और हमें चाहते हैं कि अंडर 50 में हमारे 10 से 15 स्टूडेंट हो, हम ये चाहते हैं, और उसके लिए हम मेहनत करवाएंगे खतरनाक वाली। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, जो भी पढ़ रहा है वो सुन लेना, ट्रेलर के अभी तो कुछ भी नहीं चल रहे, मान के चलो आप, चीजें बस सिखाई जा रही हैं आपको। दूसरी बात हमारी क्या बेटा, आज हमारा डेमो लेक्चर 5 है, ये और आज डेट है 26 जुलाई, 29 जुलाई से हम लोग एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। मतलब कि लेक्चर नंबर 8 हमारा एप्लीकेशन पे होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एप्लीकेशन पे आपको आने के लिए आपको फीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। सुनना, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से, जो स्टूडेंट हमसे पहले पढ़ा हुआ है उसको मालूम होगा, और जो पढ़ा हुआ नहीं है वो डाउनलोड कर लेना, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर, @mathsbyjn सर, दो एप्लीकेशन है हमारी, दो एप्लीकेशन है, एक में केवल स्टार मैथमेटिक्स जयपुर लिखा हुआ है, एक में कंप्लीट लिखा हुआ है, तो कंप्लीट डाउनलोड करना है, @mathsbyjn सर वाली ही डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, हम नहीं चाहते कि आप में से किसी विद्यार्थी की लाइव क्लास, किसी भी विद्यार्थी की लाइव क्लास छूट जाए भाई, क्योंकि जो बच्चा लाइव लेने में इंटरेस्ट रखता है तो वो तो लाइव ही लेगा, भले कुछ भी हो जाए। तो जो भी बच्चा लाइव क्लास लेने में इंटरेस्ट रखता है और चाहता है कि कोई क्लास ना छूटे, थोड़ा फीस का पेमेंट करना आज से आरंभ कर देना, क्योंकि आईडी और पासवर्ड देने में हमें भी टाइम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको 24 आवर्स में आईडी पासवर्ड हम जनरेट करके दें, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। फीस हमने आपको बताई हुई है पहले भी वेबिनार में, 1500 पर पेपर है, और अगर आप एक साथ डिपॉजिट कराते हो तो 4000 है। इस फीस के बाद भी हम एक वर्ड बोलना चाहते हैं, यहां कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि किसी बच्चे की पढ़ाई फीस की वजह से रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए टर्म्स और कंडीशन है, वो फोन करना हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, अब फीस डिपॉजिट करने का तरीका, जो पहले पढ़ा हुआ उसको मालूम है, जो नहीं पढ़ा वो अब सीख ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ने वाले हैं हमसे इस बार, क्योंकि सारी चीजें हमारी पॉजिटिव थी लास्ट ईयर भी, कोई नेगेटिव नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक दिन क्लास हो रही है, 4 दिन की छुट्टी, फिर वो हमें पसंद नहीं है, या तो हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे फिर भाई। कोई कारण अगर पड़ जाए तो एक आध बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं, है ना। बड़ा डिपॉजिट कराने के लिए ये हमारे नंबर है, एक ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पे करते हैं, 9724477293 पे, बिना सैनिक के नाम से बैंक अकाउंट है इस पे, ठीक है ना, जो हमारी प्रिय सिस्टर है, ठीक है ना। और एक हमारा ये है, ये हमारे जैसे इंसान के नाम से आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप इसे पेमेंट करो। पेमेंट का तरीका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजोन पे है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो ना वो सारे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बेशक कर सकता है। कोई स्टूडेंट अगर अकाउंट डिटेल लेना चाहता है तो वो कॉल कर ले, उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। पेमेंट करने के बाद आपको
पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम, मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन में ऐड करने हैं, जिस पे ओटीपी आएगा, क्लास नेम थर्ड ईयर, अगर एक पेपर की फीस जमा करा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स फीस जमा, कंप्लीट करा रहे हो तो कंप्लीट फीस जमा लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दे। आपको उसी व्हाट्सअप नंबर से आपको आईडी पासवर्ड और एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी थी, क्या थी कहानी, अब देख लेना आप, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, देखिए सेकंड ईयर का कोई अता पता नहीं है, एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे, पहली बात तो कोई पता नहीं है, अगर होंगे भी तो क्या आने वाला है, एक यूनिट आने वाली है। अरे आप लोग बीएससी के विद्यार्थी हो, एक यूनिट पूरी रात में रट के चले जाएंगे, बीएससी वाले ऐसे पढ़ते हैं भैया, ठीक है ना, पूरी कोचिंग लेते हैं पूरे साल सब कुछ, लेकिन फिर भी लास्ट में सर जी एक आध इंपॉर्टेंट हो तो बता दो, इंपोर्टेंट यही लिखवाऊंगा मैं क्लास में, आप उसके लिए निश्चिंत रहना, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हमारे पास में सेकंड ईयर में पढ़ा है और थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने वाला है, वो हमारा कोर्स लेता है तो अगर मान लो एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव होए ना तो आपको ऑब्जेक्टिव का शेड्यूल तैयार किया जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम इतना कह सकते हैं कि आप है ना हम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, और इससे ज्यादा हमारे पास फिर कुछ है भी नहीं कहने के लिए। हाँ इस बात की गारंटी है, कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में हमारे प्रति किसी भी प्रकार की कोई भावना उत्पन्न ना हो। हाँ लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने का, 10 से 15 मिनट का समय लग जाए, लेकिन रिप्लाई अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा, अब बता दो ना, हाँ बेटा हम बातचीत कर रहे थे, यहां से हमारे पास में एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर के डिफरेंशियबल होने के लिए, इसके लिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इसका डेरिवेटिव है ना वो केवल और केवल ओरिजिन पर एग्जिस्ट करेगा, केवल और केवल मूल बिंदु पर विद्यमान है, उसके अलावा कहीं नहीं है। इसका मतलब हमको प्रूफ करना होगा, आइए, चूंकि परिभाषा से हम जानते हैं कि हाँ सिंस वी नो दैट, बेटा ये हो भी नहीं पाएगा तो हम इसको कल ही करवा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट तो हमें इसमें चाहिए ही चाहिए, तो इतना समय हमारे पास है नहीं और हमारी नेक्स्ट क्लास भी है फिर, ठीक है ना। तो ये और थ्योरम हमारे कल होने वाले हैं, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, सीखते हुए चीज़ों को पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए। रटने वाले स्टूडेंट थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि एग्जाम किसी भी प्रकार का शेड्यूल अपना सकता है, ध्यान, ठीक है ना। तो हम आपसे कल मिलते हैं, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बुक्स के पैसे में मतलब चाय कॉपी कोल्ड ड्रिंक का काम चल जाएगा, कोल्ड कॉपी वगैरह का, चॉकलेट का, जो भी है, ठीक है ना, तो उसे करना, बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कर देंगे, वैसे है नहीं, आप निश्चिंत होके चलिए। नोट्स की एक एक लाइन आपको पढ़नी रहेगी, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अरे बीएससी पास करना बड़ी बात नहीं है, बीएससी अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी बीएससी हो जाएगी, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट है ना फर्स्ट पोजिशन पर हो हर चीज में, बस ये हम आपसे चाहते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट हमें ये बात
एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो देख लीजिए अब आप लोग, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन वाला क्राइटेरिया, अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए बेटा। हम भी यहाँ दोबारा मेहनत कर रहे हैं, पूरे वीडियो हमारे पास में रिकॉर्डेड हैं, हम चाहे तो दे सकते हैं ना, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि लेटेस्ट बनिए आप लोग, है ना, अपडेट होते रहिएगा बार बार, ठीक है। बाय, कल मिलते हैं।